जनता पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के 11वें अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा। वर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कराया जेपी नड्डा को कार्यभार ग्रहण। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद जेपी नड्डा का अभिनंदन समारोह आयोजित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने किया जेपी नड्डा का अभिनंदन। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए किया विद्यार्थियों से उन्होंने संवाद, तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं को दिया आवश्यक सुझाव, विद्यार्थियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का किया समाधान। प्रदेश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरण कार्यक्रम के आयोजन का सिलसिला जारी, नरसिंहपुर जिले में नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में निकाली गई भव्य रैली। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर चलाया गया सीए जनजागरण अभियान, सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए रामनाथ गोयंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार, डीडी न्यूज के धीरज कुमार, मोर मुकुट शर्मा और स्वर्गीय अच्युतानंद साहू को भी मरणोपरांत मिला सम्मान। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में आयोजित 39वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न, सीआरआरई दिल्ली की टीम ने एसएसबी लखनऊ को हराकर जीता खिताबी मुकाबला, अतिथियों ने विजेता उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत। आम बजट की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का किया गया आयोजन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित मंत्रालय के कई अधिकारी रहे मौजूद, आम बजट के दस्तावेजों की छपाई हुई शुरू। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड किए जारी, स्कूलों द्वारा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं प्रवेश पत्र, छात्र छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से ही मिलेंगे एडमिट कार्ड। भोपाल की रिया को बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मिलेगा राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, रिया की उत्कृष्ट पेंटिंग के लिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मिलेगा पुरस्कार। राजभवन में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि का व्याख्यान आज, अध्यात्म द्वारा मानव समाज का उत्थान विषय पर रखेंगे विचार, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी करेंगे व्याख्यान माला को संबोधित। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आज आखिरी दिन, भोपाल मंडल पर रेल मंडल प्रबंधक उदय बोनवनकर ने बच्चों को पिलाई पोलियो रोधी दवा, भोपाल मंडल के 52 पोलियो टीकाकरण बूथों का किया गया था गठन। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी, भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन फहराएंगे तिरंगा। देश के अनेक अंचलों में धूप खिलने से मिली सर्दी से आंशिक राहत, राजधानी में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिन का तापमान, 2 दिन बाद फिर सर्दी बढ़ने के आसार। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 90 रनों से हराकर जीता अपना पहला मैच, सिद्धेश वीर को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मिला मैन ऑफ द मैच, अंडर 19 विश्व कप में आज जापान से भिड़ेगा भारत।